हैं क्या करा है कि प्रश्न सात एवं आठ में दिए गए बारंबारता बंटन के लिए माध एवं प्रसरण ज्ञात कीजिए। हमें माध निकालना है और वेरिएंस निकालना है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग क्या क्या निकालेंगे जी, माध निकालेंगे और फिर प्रसरण निकालेंगे। तो कोई भी विधि आप यहाँ पर लगा सकते हो, इसके लिए कोई आपको यहाँ पर प्रतिबंध नहीं है। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पर इसमें सात कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। ये दो हो गया, दो चार, ठीक है, और फिर ये तीन सात, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ वर्ग दिया है, क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, और यहाँ पे बारंबारताएं दी हैं, एफ आई दी हुई है। चलिए, और यहाँ पे फिर हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे ना, एक्स आई निकालेंगे, ठीक है। चलिए पहले इतना काम कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। जीरो से तीस, तीस से साठ, साठ से नब्बे, नब्बे से एक सौ बीस, 120 से 150, 150 से 180, 180 से 210, ठीक है। चलिए एफ आई यहाँ पे जो दिए हुए हैं, दो तीन पाँच दस, तीन पाँच दो, अच्छा एक्स आई, तो इनके मध्य करना, तो जोड़ जोड़ के दो से भाग करते जाएंगे। यहाँ से देखिए 15, यहाँ 45 हो जाएगा, इसको जोड़ के दो से भाग करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 75, 30-30 बढ़ते जाएंगे, है ना जी, 105, 135, 135 के बाद यहाँ हो जाएगा 165 और फिर 195, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग चलिए ना, यहाँ पे हम लोग डी आई निकाल लेते हैं, ये वाला मेथड मुझे इजी लग रहा था, डी आई निकाल लेते हैं। तो डी आई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बीच का एक ए लेना होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो ये होता है एक्स आई माइनस का ए, यानी कि इन सब में से 105 को हटाना होगा। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, अच्छा एक और मेथड है, यू आई निकाल के भी आप कर सकते हैं, ठीक है, यू आई निकाल के भी, स्टेप डेविएशन मेथड भी तो मैंने बता रखा है। यू आई से ए लेने से ये फायदा होगा ना कि ये ईजी हो जाएगा, और तो यू आई ही ले लो ना, सबसे अच्छा यू आई ही हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, यू आई ले लेते हैं, ठीक है। स्टेप डिविएशन मेथड मैंने बता रखा है ना जी, यू आई वो क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बाई एच, तो ये ए यही रहेगा और एच क्या हो जाएगा, तो इनके बीच का जो अंतर देख रहे हो ना प्रत्येक वर्ग का, वो यानी कि एच का मान यहाँ पर 30 हो जाएगा, उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर होता है वही एच है ना, क्लास हाइट या क्लास लंबाई, क्लास ऊंचाई कहिए, वही ना। चलिए तो 15 में से 105 को घटा देंगे, तो माइनस 90 और बट्टा में 30, तो माइनस का 3 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो माइनस 60 बाई 30 यानी कि माइनस 2, फिर माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, देखो ये इजी आ जा रहा है यू आई लेने पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बोला हूँ कि यही लगाओ, ठीक है। चलिए तो अब हमें एफ आई यू आई भी लेना होगा, तो यहाँ पे एफ आई यू आई ले लेते हैं, उनको हमें निकालना होगा ना इसमें से गुणा करके। चलिए देखते हैं एफ आई यू आई क्या होगा, हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 6, माइनस का 6, माइनस का 5, 0, 3, 10, 6, यही ना हो जाएगा। चलिए तो पहले हम लोग माध निकाल लेते हैं, तो यह आपका हो जाएगा, यहाँ देखो ना क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा और ये यहाँ पे 17, ये 2 आ जाएगा। चलिए ये माइनस का 17, ये प्लस का 19, एफ आई इन सबको जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो पहले माध की बात करेंगे, तो माध क्या हो जाता है, माध हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई और इंटू में यहाँ पर एच। तो ए का मान यहाँ पर कितना है, 105 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, तो ये आपका है 2 और एफ सिग्मा एफ आई है 30 और एच का मान है 30, 30 से 30 कट जाएगा, 107 आ जाएगा ना यहाँ पर, माध्य 107 आ गया। तो
तो मात्र जब 107 आ गया तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, तो देखिए पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। हमें निकालना है यहाँ पर प्रसरण, वेरिएंस प्रसरण निकालना है। तो प्रसरण निकालने के लिए हम लोग जानते हैं छोटा सिग्मा का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, तो एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में एन सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन एफ आई यू आई का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस माइनस सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन एफ आई यू आई का होल पे स्क्वायर कर देते हैं। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हमें यहाँ पे चाहिए अभी क्या, यू आई का स्क्वायर और एफ आई यू आई स्क्वायर, ये चाहिए, दो चीजें यहाँ निकालना होगा। चलिए तो देखते हैं, यू आई का स्क्वायर यानी कि हमें इनका स्क्वायर करना होगा। देखिए 9 4 1 0 1 4 9 एफ आई यू आई का स्क्वायर, इसमें से इंटू करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा 18 12 5 0 3 20 और यहाँ पर 18, इन सबको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, 76 आ जाएगा, 76 आ जाएगा। चलिए अब इसमें हम लोग रख देते हैं एच स्क्वायर, यानी कि यहाँ हो जाएगा 30 का स्क्वायर, एन स्क्वायर ये भी आपका 30 का ही स्क्वायर, एन का मान यहाँ 30, इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू अभी इसी यही ना जोड़ के लाया है यहाँ पर 76 ना, और माइनस इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू हमारे पास आया है सिग्मा एफ आई यू आई, ये आया है 2 ना, ठीक है, तो इस 2 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों तो कट जाएंगे, यहाँ देखिए अब क्या होगा, इसमें 30 में गुना करेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 2280 और माइनस का 4, यानी कि 2276 आ जाएगा आपका प्रसरण। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।